दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश स्टेट परफॉर्मिंग आर्ट्स चैंपियनशिप के बैनर तले 7 मई को रात्रि लालबाग रोड स्थित तुलसी मॉल के प्रांगण में गीत गायन एवं नृत्य का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें डांस इंडिया डांस शो में अपनी प्रस्तुति दे चुके और स्वर्ण पदक, रजत पदक, ब्रांज पदक व अनेकों अवार्डों से नवाजे गए कमलेश पटेल ने सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को लेकर श्री पटेल ने कहा कि जिन युवाओं में अच्छी प्रतिभा छिपी है, उन्हें अच्छा मंच प्रदान कराना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का मौका प्रदान कराना हमारा उद्देश्य है। बताते चले कि कमलेश पटेल दोनों पैर से विकलांग हैं, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी विकलांग व्यक्ति को विकलांगता का अभिशाप नहीं है, बल्कि वह ईश्वर का दिया उपहार है। इंसान चाहे तो हर कार्य कर सकता है, बस उसमें कार्य करने का हौसला होना चाहिए। वही संस्था के प्रदेश सचिव जिन प्रकाश माली ने बताया कि उनका उद्देश्य कलाकारों को गीत संगीत एवं नृत्य के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम में किसी से कोई शुल्क नहीं लिया गया। कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक चला, जिसमें कमलेश पटेल सहित एक से बढ़कर 100 से अधिक कलाकारों ने गीत एवं नृत्य पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिन आरती प्रकाश माली ने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन गोवा में आयोजित होगा, इसके बाद चयनित राष्ट्रीय कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में प्रस्तुति देंगे, इसके बाद उन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मेन जो हमारा इंटेंशन था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे और जो बड़े भी हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपना टैलेंट शो करने का, उनको हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं सो दैट वो अपना टैलेंट शो कर सके एंड नेक्स्ट लेवल पे वो ऑल इंडिया भी जा सके, इंडिया के बाहर भी जा सके। जैसे कि हमने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन करवाया था, इसके सिलेक्शन होने के बाद इसका नेक्स्ट लेवल रहता है नेशनल सिलेक्शन, जो कि रहेगा गोवा में 21 मई को। एंड देन जो भी बच्चे या एडल्ट्स जो भी सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, जो कि रहेगा नेपाल में। तो हमारा जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश की बहुत ही पावन धरा, ऐसी धरा पे आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था डांस एम्बेसडर परफॉर्मिंग आर्ट एसोसिएशन इंडिया के जरिए और हमारे प्रकाशक के जरिए एक बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुई थी तुलसी मॉल के अंदर। और ये कॉम्पिटिशन के जरिए आज यहाँ पे ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे, जो मैंने पहली बार देखे कि हमारे बुरहानपुर के अंदर भी ऐसे टैलेंट है, और जो बच्चे गोल्ड सिल्वर मेडल जीते वो अभी डायरेक्ट नेशनल कंपटीशन में जाएंगे, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी बुरहानपुर के बच्चे। तो बुरहानपुर के लिए गर्व की बात है कि हमारे बुरहानपुर में ऐसे टैलेंट है। और सच में आज की कॉम्पिटिशन बहुत अमेजिंग थी, ऑडियंस भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत से लोगों ने सबको सपोर्ट किया, सबको मोटिवेट किया। तो सच में मुझे बुरहानपुर में आके और बुरहानपुर के बच्चों को देख के, टैलेंट को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या शुभ नाम है सर? कमलेश पटेल।